जब इजी पीजी ब्रेकफास्ट बनाना हो तो मेरा गो टू ब्रेकफास्ट होता है ब्रेड बटर एंड चाय। काफ़ी टेस्टी भी लगता है, मेहनत के बिना भी बन जाता है। सो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, शार वगैरह ले लिया एंड मैं जो है फिर नाश्ता करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को वो कैसे होता है ना, ब्रश करते ही लग जाती है बहुत ज़ोरों की भूख। एंड मेरे को ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स हो गए थे ब्रश किए हुए, क्योंकि मैं नहाने लगी थी तो मैंने झटपट नाश्ता कर लिया था। एंड जूडियोज़ के नेल पेंट शेड से आई एम कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड। इसके कितने बॉटल्स मैंने खाली कर दिए होंगे वो मुझे भी नहीं याद होगा। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो आज फ्राइडे है, सो 2 दिन बाद आई गेस दिवाली है, तो हम लोगों के ऑफिस में एथनिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ नेल पेंट लगा लिया है, कपड़े आयरन होकर के आ गए हैं, सो मैं झटपट रेडी होती हूँ। एंड लंच का सीन कैसे है कि दीदी अभी आई नहीं है, मैं 12 बज रहे मैं अभी तक वेट कर रही थी उनका, बट वो आई नहीं। सो मैं ऑफिस में प्रॉब्ली कुछ खा लूँगी, मैंने चाय एंड ब्रेड खा लिया है नाश्ते में, तो सॉर्टेड। चलो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग डन, दीदी आ गई है। सो मैं कुछ बना तो नहीं पाऊंगी क्योंकि 12 बज रहे हैं, मेरे पास 1 घंटे है, तो मैं प्रॉब्ली मैगी बना के खा लेती हूँ फट से, उसके बाद रेडी हो। लकली मेरे पास एक पैकेट बचा हुआ था, बेसिकली एक केक जो होता है ना वो वाला बचा हुआ था, तो मैंने झटपट उसको मैगी बना लिया था। उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर वगैरह मैंने तड़का सॉर्ट ऑफ डाल दिया था, क्योंकि एकदम प्लेन मेरे से जाता नहीं फिर खाने को, तो मैगी बनाया मैंने। और यहाँ पर बहुत ज़ोरों की मेरे को भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रहा है। सो मैंने आराम से बैठ करके लंच में, लंच ब्रंच नॉट श्योर क्या बोलेंगे इसको, तो यही मैगी खा लिया था, क्योंकि मुझे पता है ऑफिस जाने के बाद काम भी रहेगा एंड फिर उसके बाद सेलिब्रेशन भी रहेगा, तो मैं खा नहीं पाऊँगी। सो डन विथ खाना पीना, अब मैं यहाँ पे अपना मेकअप कर लेती हूँ। बेसिक सा जो मेरा मेकअप रूटीन है वही करूँगी, सीसी क्रीम एंड ऑल लगा करके। आज थोड़ा सा मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो मेरे पास आई शेडो के शेड्स वगैरह थे, तो उसी में से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आई एम नॉट प्रो एट डूइंग मेकअप एंड ऑल, मेरे को बस जैसा समझता है वीडियोज़ वगैरह देख करके वैसा मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एंड आज मैं बहुत टाइम बाद काजल अप्लाई कर रही हूँ, नहीं तो जनरली मैंने बहुत टाइम हो गया काजल नहीं लगाती हूँ। मैं मस्करा वगैरह ही लगा लूँगी बट काजल अप्लाई नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट से अपना जो पाउडर होता है सेट कर लिया मेकअप। एंड हियर कम्स माय फेवरेट प्रोडक्ट मस्करा, मतलब मेरे को आईलैशेस पे मस्करा लगाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसके बिना मैं घर के बाहर ना निकलूँ। एंड ऑल्सो आई टेक माय स्वीट टाइम टू अप्लाई द मस्करा। एंड कैसे रहता है कि जो मेरे आईब्रोज है ना, इसको भी मैं इसी से सेट कर लेती हूँ। बहुत लोग वो ब्राउन वाला जो टोन होता है वो प्रेफर करता है आईब्रोज के लिए, बट मुझे ब्लैक टोन अच्छा लगता है एंड मेरे फेस पे अच्छा दिखता भी है आई गेस। I guess I have someone on the door. Is this looking nice? So मुझे Instagram के लिए YouTube के लिए मुझे shorts के लिए get ready with me पर दिवाली वाला बनाना था लोग, सो वो मैंने कर लिया है। प्रॉब्ली रूम लग तो बहुत सुंदर आया है बट दिन भर मैं शायद नहीं पहन पाऊँगी, तो इसको मैं उतार के I'll wear some छोटा सा टॉप्स जो मेरा है। टाइम पर कुछ मिलता क्यों नहीं है यार, shit। ये मैं डाल लेती हूँ बेटर है ना, ये कुछ ज़्यादा ही भड़कीला लग रहा है पर ऑफिस, इसको मैं हटा देती हूँ। I'll wear this. This is looking nice. My hair. So great. बिंदी ठीक लग रहा है और शाला गो फॉर द ब्लैक वन। आई हैव छोटू सा ब्लैक
I'll go for this. आफ्टर गेटिंग रेडी आई हैड टू वर्ड ऑफिस. मैंने ऑटो बुक किया हुआ था एंड नॉट श्योर फेस्टिवल्स की वजह से या क्या रीज़न था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी एंड जब ट्रैफिक खत्म हुआ तो धूल उड़ना शुरू हो गया था. बट कोई नहीं, चलो मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. बाय.